तो का खाना पीना चल रहा है, अपन ने तो खा दिया दरअसल। और रोटियां बन रही है, मतलब रोटियां बेली जा रही है, रोटियां बन रही है, मेहंदी लगने की तैयारी हो रही है। सो नीतू आ रखे हैं, नीतू लगाएगी यहाँ पे मेहंदी। औरतें मुझसे काम करवा रही बोला। दरअसल पकोड़े बनना शुरू हो गए, यानी कि दरअसल हमारे गांव में होता क्या, जो दाल पीसी जाती है, जी भी काफी सारी मंगा रखी है, मतलब ना काफी। और ऐसे सिलबट्टे में ना मैनुअली हाथ। सुबह के अभी ना लगभग 5 बज रहे हैं, वैसे जो यहाँ पर जितने भी लोग आ रखे हैं लगभग 3 बजे से आ रखे हैं, और अभी के टाइम पर हल्का फुल्का अंधेरा चल रहा है, और मैं भी उठ चुका हूँ भाई। काफ़ी सारा चीज़ें आज से शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पर पूरा तिरपाल भी लगा रखे ना रहने के लिए, मतलब खाना खुना खाने के लिए। और यहाँ पर आ रखे हैं सब लोग। दरअसल हमारे गांव में होता क्या, जो दाल पीसी जाती है, यानी कि जो पकोड़े बनेंगे दाल के, वो दरअसल पूरे के पूरे सिलबट्टे में पीसे जाते हैं। तो बूढ़ी आ रखी है, दादी आ रखी है उधर, दूसरी दादी, एक और दादी, और यहाँ पर दादी भी आ रखी है, सभी आ रखे हैं, मतलब ना सब पता नहीं कब से आ रखे हैं। और यहाँ जो चावल भिगोए थे ना, यानी कि जो अरसे बनने वाले हैं, उससे आज यहाँ पर पूरा का पूरा आटा पीसा जा रहा है। चाची यहाँ पर अंदर में आराम से छिपके पीस रही है। यहाँ पर ना दाल, उड़द की दाल होती है, जिसको कि अच्छे से पीसा जाता है। इस तरीके से ना हमारे यहाँ पे पूरे दाल वगैरह ये सब चीजें पीसी जाती है। आज के दिन पर सब कुछ जितना भी होने वाला है वो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से पकोड़े बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ना पूरी सब्जी की तैयारी हो रही है, और आज शायद ना सुबह काफी लोग पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी अभी के टाइम पर यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा है, माँ भी लगी है। देखो अब मैं तो अभी उठा हूँ, मतलब अभी ना जस्ट, तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है। और माँ कबेर बेटे उठी थी, कबेर उठी 2 बजे से उठी है माँ, आज सोई भी नहीं है, मतलब ना सब 2 बजे से उठ गए थे। सुना, चाय पिला दे यार। और ये है हमारी उड़द की दाल, जैसे कि यहाँ पर ना जैसे कि पकोड़े बनाए जाएंगे, मतलब उड़द या मांस की दाल भी बोलते हैं ना इसे, मांस की दाल है ना, काली दाल, उड़द की दाल। इसी को दरअसल एक दिन से पहले भिगो देते हैं इनको और चावल को, इन्हीं से पूरा पकोड़े वगैरह ये सब चीज़ें बनने वाले हैं भाई। और ऐसे सिलबट्टे में ना मैनुअली हाथों से पीसना पड़ता, बिल्कुल बारीक। चाय बनी चाय, तुम गुस्सा के लिए यहाँ था, सुबह जल्दी आना 3 बजे से। यहाँ पर ना पीस के इकट्ठा भी किया जा रहा है, यही चीज यहाँ मावी किया, नमक मिर्च मिले ना तब सीधा पकौड़ा बाण को, बूढ़ा बाण को नमक मिर्च ना, नमक मिर्च हल्दी। अच्छा, काफी टाइम से पीसा जा रहा है ना यहाँ पे, और लोग अभी भी लगे हैं, और काफी लंबा टाइम होने वाला है। तो एसआर भाई को उठना दरअसल 2 बजे काम करने के लिए, किसका 2 बजे उठा ही नहीं, मैंने उठाया भाई 2 बजे के टाइम पर गचोल बेचल के, लेकिन उठा ही नहीं। और अभी के टाइम पर सुबह सुबह थोड़ा सा आँखों में जलन सी होती ना, एक तो नींद पूरी नहीं हो पाई, दूसरा ये है कि थोड़ा जल्दी भी उठ गए हैं, तो इस वजह से आँखें भी रेड हो रखी हैं। और साथ में अभी देखते हैं हाथ मुँह धोएंगे तो बताएंगे थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हो रही है। आज के नाइट में मेहंदी होने वाली है, और आज के दिन में लगभग काफ़ी सारे रिश्तेदार पहुँचने वाले हैं। तो कभी कभी आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो कि अपनी जवान के पक्के नहीं होते हैं, कि जैसे कि एसआर ने कल ये बोला कि किसी को मत बुलाना गांव में, मैं अकेला हूँ काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई इसको मेरे पापा भी उठाने के लिए, मैंने भी उठाया, साथ में हैरी भाई ने भी उठाया और अमित ने भी उठाया, ठीक है। लेकिन तुम इतनी झांझ में थे कि तुम उठ ही नहीं पाए भाई, समझे। अभी टाइम देख, 2 बजे उठूंगा मैं, तो 2 बजे नहीं 12 बजे, याद है 2 बजे भी नहीं बोला, 12 बजे, 12 बजे से काम शुरू करेंगे, देखा। अभी देख मैं काम करके आ गया अभी, तो 12 बजे से लगे हूँ पीसने में, पता है मुझे। और साथ में अपनी चाय वगैरह ये सब चीजें चल रही है भाई। तो एक बार दोस्तों बहुत लेट ब्लॉग की शुरुआत करे तो, हेलो वेलकम एंड नमस्ते, माय नेम इज अंकित, मेरा नाम अंकित, मेरे गांव का नाम तिमल खाल। काम करते करते यानी कि पूरा पीठा पीसते पीसते ना पूरा उजाला हो चुका है, अभी तक लगा है भाई, साउथ इंडियन हीरो की तरह लगता है ना अपना भाई। सब लोग अपने काम धाम पे लगे हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो दरअसल यहाँ है। तो जो रात को जो दाल पीसी जा रही थी ना, उससे दरअसल पकौड़े बनना शुरू हो गए, यानी कि
ये गर्मा गर्म भूड़े। अभी अपने आज दोस्त लोग भी पहुंचना शुरू हो गए, गांव के दोस्त लोग ना, तो बढ़िया मज़ेदार आज काफ़ी लोगों से मिलाएंगे, और साथ में भूड़े वगैरह इन सब चीज़ें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब आज अरसे वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें अभी बनने में अभी टाइम है। हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे अपलोड करके आते हैं जब तक यहाँ पर प्रोसेस ये सब चीज़ें रेडी होती है। देखो माँ आज से टेंशन में, दो दिन टेंशन में रहेगी और उसके बाद फिर टेंशन फ्री। हाँ हाँ दूर नहीं जा। अच्छा भाई की मम्मी है। बढ़िया ना। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बढ़िया चलते हैं, अभी नीचे से अपलोड करके आते हैं। सुबह के टाइम पर घर से निकले हैं और अभी के टाइम पर देखो ये सब्जी की गाड़ी भी आ गई है दरअसल ना, तो अब ऐसा करते हैं सब्जी उतारने चलते हैं, साथ में अभी हाथ मुंह कुछ नहीं धोया है तो अपना नेचुरल जो टूथ ब्रश होता है उसी से ब्रश किया जा रहा है, देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। शादी भाई मेरी है तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। यार अपने साथ तो एक बंदा लेके घूम रहा है। काम तुम करूंगा भाई, तुम मेरे यार तब के यार हो जब हम कच्छा नहीं पहनते थे। एक ही कच्छा पहनते थे। नहीं पहनते थे। गाड़ी अनलोड करते हैं, सब्जी लेके जाते हैं क्योंकि यार बहुत सारे काम है और अभी के टाइम पे दोस्त लोग अभी पहुंचे नहीं ना। ये पहुंच चुकी है अपनी सब्जी की गाड़ी, सब्जी लोड हो रखी है, बढ़िया पीछे भी भरी है और ऊपर भी भरी है, तो अब ऐसा करते निकालना शुरू करते हैं। तो हमारे पहाड़ी भाई ऑलराउंडर, चलो लगो रस्सी खोलर उतार चल, मैं नीचे से पकड़ता हूँ ठीक है। हाँ बढ़िया। तो सबसे पहले दादी पहुंची है, दादी के सर में मैंने गोभी रख दी है, गोभी लेकर दादी निकल चुकी है ना। हाँ सिर में रख दे अभी दोबारा आ जाना दिल। अभी थोड़ा सा और है तो एसआर भाई लगे हैं, भाई आ चुका है। बढ़िया करो 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 एसआर भाई, तुम ही हो जिसने वहाँ पे पैसे लेने हैं ठीक है। हाँ तुम ही हो मेरी भुल्ली। ये तो सब्जी भी काफ़ी सारी मंगा रखी है, मतलब ना काफ़ी सारी सब्जी पहुँच चुकी है। वैसे ये तो अमित लेके चले जाएगा है ना। ये बढ़िया, अब जिनका इंतज़ार था भाई वो लोग भी पहुँच गए। ये अरसे बनना शुरू हो गया भाई। हाँ ताऊ जी ने बटे जा सापान ये ताऊ जी। हाँ मैं बल लाचार मर्द हूँ बोला, औरतें मुझसे काम करवा रही बोला। तो अभी के टाइम पर अरसे बूढ़े ये सब, बूढ़े तो शायद बन गए और अपने दोस्त भी आ चुके। और भाई बढ़िया और सब बढ़िया, और विजय भाई बढ़िया। जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे भाई, भाई लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तीनों भाई अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में ना। बढ़िया मज़ेदार कैसा रहा सफ़र, एडवेंचरस है। और साथ में भाई जी भी पहुंचे हैं लखनऊ से। लखनऊ कौन सी जगह से? लखनऊ प्रॉपर, लखनऊ से ही पहुंचे हैं। हाँ तो बढ़िया रहा सफ़र सबका ना, चलो मज़ेदार फुल एडवेंचरस। अच्छा चलो अब खाने की हमारा वेट हो रहा है बोला ऊपर में, चलो खाने के लिए चलते हैं अभी। नहीं रहना चाहिए। हाँ ये तो है। तो अभी सब खाने पीने की तैयारी हो रही है, यानी कि अपने दोस्त लोग भी आ चुके हैं और अभी दो दोस्त और बचे हैं जो अभी आए नहीं हैं। तो अभी हम क्या करें, खाना खा रहे हैं फिर उसके बाद में उनको खिलाएंगे साथ में खाना। सब बैठे हैं यहाँ पे दोस्त लोग, तो अपने दोस्तों का सब मित्रों का अपने गांव वालों का खाना पीना चल रहा है, अपन ने तो खा दिया दरअसल, और अपने दोस्त लोग रह गए थोड़ा सा पीछे। तो भाई अभी के टाइम पर खाना पीना खा के बस इधर आए हैं और अभी कुर्सी सारने का काम चल रहा है, तो अपनी शादी के लिए कुर्सी खुद ही सारेंगे। चले भाई लोग मजाक करें, भाई लोग भी आ चुके हैं, अपने दोस्त लोग आ गए हैं, अपने गांव के आ गए हैं, और अभी ऐसे करते हैं कि कुर्सियां सारना शुरू करते हैं। चलें आशु भाई भी पहुंच चुके हैं भाई, आशु फंटी भी फेमस व्लॉगर फ्रॉम दिल्ली है। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बढ़िया से तैयारियां चल रही है। ये सबसे बढ़िया गाँव के शादी का सबसे बढ़िया पार्ट रहता है कि सब लोग मिलजुल के जो काम करते हैं ना, ये मतलब कहीं भी करवा लो शादी शहर में वो चीज नहीं मिलती। भाई लोगों को बनाने देते हैं, काटने देते हैं सब्जी, और साथ में कुछ वहाँ पे भाई लोग वहाँ पे लगे हैं लड़ियाँ लुड़ियाँ लगाने पे, यानी कि सजावट करने पे। लग गई प्लास मेरे पापा को पूछ। नहीं सारे ब्लॉगर मैंने गुदराचार में फेंक दिए।
तो भाई सब फेमस फेमस पर्सनालिटीज पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे बैठे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। इतने काफी सारे दोस्त लोग पहुंच चुके हैं, पुराने पुराने दोस्त लोग ना। और दिन भाई एक जब इसकी गाय दूर जाती थी रोता था, याद है? मानना तो पड़ेगा भाई। भाई सुन, इकलौता ऐसा बंदा था जो दो चक्कर का एक चक्कर मारता था, नहीं है दोबारा नहीं ले जाना। तब ने अपने दोस्त यार पहुंचना शुरू हो गया ना अभी, और पता नहीं एक और है भाई, अभी पहुंचा नहीं है, कहां पता नहीं गायब हो रखा है। एसआर हो गया, ध्यानी भाई हो गए, हैरी भाई हो गए, नरेंद्र भाई हो गए, कन्नू भाई पता नहीं कहां कहां जा रखे हैं। बाकी अपनी बड़ी वाले लोग भी व्यस्त हो रखे हैं यहां पे, आज इधर उधर ही देख रहे हो है ना। ये देखो देखा जेठ मां जो मतलब सब देखा चार्ज या खचियो तुम्हारे वीडियो में आ जाऊं। अच्छा नहीं नहीं बढ़िया। तो यहाँ पर सारा काम धाम चल रहा माँ, वो चाय पिलाना सब कन्नू थे कि तीन होते पिला दे यार, ठीक है अभी आई जो। तो आपका क्या हो रहा है अभी लोकेश के लिए ना? अरे तबीयत खराब हो रही है लोकेश भाई की यार। बढ़िया ठीक है भाई, तबीयत खराब हो गई है तो भाई के लिए खिचड़ी बन रही है अलग से। हाँ ठीक है, दवाई मत खाओ ज़्यादा। और यहाँ पर जितने भी अपने मेहमान लोग आए थे सब लोग यहाँ पर पहुँचे, गांव के लेडीज से लेके सब रिश्तेदार से लेके। और यहाँ पर बन रही है पूरे रोटियाँ बन रही है, मतलब रोटियाँ बेली जा रही है, रोटियाँ बन रही हैं बढ़िया। सौरभ भाई भी बेच बांट रहे हैं सबको बढ़िया। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अरे बढ़िया, नए नए लोग पहुंचे हैं आज तो, खूब बढ़िया। हाँ रोटी तो रोटियाँ रोटियाँ ये सब चीज़ें भाभी बनाओ आप भी बना दी। हाँ रोटियाँ बन गई सब। हाँ हाँ बढ़िया, हमारे गांव के पहले भाभी ब्लॉगर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ रह गए उधर? इधर काम करने देते हैं, रोटियां बन रही है बढ़िया, सब चीजें गांव के लोग मिलजुल के बनाते हैं रोटियां। और अपने मेन जो सब्सक्राइबर है, क्या नाम है आपका? वर्षा। अरे वर्षा, अरे कितनी बड़ी हो गई यार तुम, और मुझे पहचाना नहीं। दरअसल मैंने वो उस टाइम बहुत छोटी थी, हम लोग साथ में खेती किया करते थे, इनकी फैमिली और हमारी फैमिली। बढ़िया, नमस्ते, ठीक हो? बढ़िया। तो चाची की बेटी आपकी मम्मी है ना? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलो बैठो फिर काम करो, चाय बट रही है सब चीजें, शोरगुल काफी हो रखा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर दादी लोग पहुंचे, दादी हो गई। नाम क्या बताया था, क्या नाम बताया था? आराध्या। हाँ आराध्या, रोहित की बेटी है ना? हाँ रोहित अपना दोस्त ही हो गया मतलब ना। तो सब लोग बढ़िया तरीके से काम धाम कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा दादी भी पहुंच गई भाई है। चाची पियो चाय, चाची बोलूंगा ना। रोहित भाई की वाइफ हो क्या? अरे कौन रोहित भाई? बड़ा है मुझसे शायद, तीन दिन है ना? नहीं नहीं वो मुझसे बड़ा है शायद तीन। अरे भाभी ऐसे मत बोला, हम भाभी बोलेंगे ठीक है। नहीं सब बड़ी मुश्किल से गांव में दो भाभी आई है, एक एक उधर है एक आप हो गए। चलो नहीं वैसे तो चाची बोलूंगा लेकिन चाची नहीं बोलूंगा। बढ़िया अच्छा है, चलो एंजॉय करो। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको शादी की। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा आज आपकी मेहंदी है? अरे बढ़िया, बस अच्छा लग रहा है, फील कर सकती हूं बहुत अच्छा लगता है। हां ये तो है, खाना पीना कंप्लीट है, अभी के टाइम पर मेहंदी लगने की तैयारी हो रही है। सो नीतू आ रखे हैं, नीतू लगा दी यहां पे मेहंदी, और उसके बाद में जो भी डांस सी वगैरह उधर को चलते रहेंगे थोड़ी देर में।
जैसे ही खाना सबका कंप्लीट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं, बस देख रहे हैं भाई लोग भी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ब्योली की तरह शरमा रहे ऐसे आज ही तो शरमाने का दिन है भाई। और यहाँ पे जेठी माँ जी भाई मजे ले रही है बहुत ही ज्यादा, और इनकी हंसी देखिए भाई साहब क्या हंसी है, अरे वाह गजब। मेहंदी यहाँ पे अंकित की और इधर मेरी भी लग रही है, पर हंसी जेठी माँ की देखिए, अरे वाह। हिलाना नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनो बिल्कुल। एक उंगली पे लिखना आरती, एक पे अनीता, एक पे कुंगली, एक पे निशा, कोई ना मिल जाएगी कहीं ना कहीं तो टकराएगी नहीं जो जिस जो अब मेरे हाथों में मेहंदी लग रही थी, बोल रहे इतनों के नाम लिखा दे वाल, तुम मार खिलाओगे क्या कहीं पे, मार खाने का काम हो रहे हैं तो भाई मार खाओ। बोड़ी जी गलत नहीं बोल रही है, मैं बोड़ी जी का सपोर्ट करता हूँ, और बोड़ी जी के हाथों में भी मेहंदी लग चुकी है, कितनी बढ़िया मेहंदी लगी है बोड़ी जी लगी। और ये देखिए आपके एसआर पहाड़ी ब्लॉगर सर के हाथों में क्या बढ़िया मेहंदी लगी है, प्रमोशन में। ताई जी के हाथों में कितनी बढ़िया मेहंदी लगी है, आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए। अंकित की दादी जी, हाँ मैं ताई जी कहूंगा, बढ़िया मेहंदी लगी है। और वही अगर वही जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ठुल्ली दादी, आप चुप क्यों बैठे हो, अच्छा अच्छा जेठी माची, अच्छा कौन कौन आप बहन, अच्छा सबसे बड़े कौन है आप में, अच्छा सबसे बड़े आप हैं और फिर आप है, फिर अंकित की मम्मी है, हाँ तीसरे नंबर की, अरे वाह अच्छा गौरव भाई, अरे इधर आओ शर्मा की ओर यार, आप आपकी जरूरत है भाई, मेहंदी भी लगानी है आपकी, आओ, अरे शर्माओ मत, आप इधर देखेंगे तो ये देखिए, अरे तुम भी लगवाओ भाई मेहंदी पे, चाची जी के हाथों पे भी मेहंदी लग रही है और कितनी बढ़िया मेहंदी लगी है, और इस हाथ में लग रही है, बढ़िया लगी है चाची जी, बढ़िया लगा रहे हैं आप, वेलकम नहीं अच्छी लगी है, और आप चुप क्यों जा रहे हैं, आप बोलते रहो हाँ। और अभी के टाइम पे अंकित भाई के हाथों में भी बढ़िया मेहंदी लग चुकी है, अंकित भाई आप दिखाइए, बढ़िया। आंखों ही आंखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई, मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूं क्या है कुछ ना पता, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है, अब तो ख्यालों के दर्पण में वो ही नजर मुझको आती है, समझ न आए दिल कहा जाए क्यों इतना। नाच गाना तो भाई कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितना भी डांस होना था सब कुछ कंप्लीट, और सब भाई लोग जा चुके हैं, वैसे भी सारे लोग जा चुके हैं, मेहमान लोग अपने अपने जगह पर जा चुके हैं सोने के लिए, और यहाँ पर खाना वाली है, भाई लोग भी थक चुके हैं, आधे भाई तो ढेर हो गए हैं, नहीं है फुल मजा, बढ़िया मजेदार। चलो अभी थोड़ा सा चाय बनती है, अब चाय पियो एक बार यार, फिर उसके बाद और मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी अभी ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर में फिर जो भी आगे चलते हैं, चाय पियेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद में रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह भी जल्दी होती है ना।